वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज ये कुछ डिफरेंट हो जाए, कुछ खाने से, कुछ डेली रूटीन के खाने से कुछ डिफरेंट हो जाए, तो क्यों ना आज हम लोग बनाएं जी स्पैगेटी चाउमीन, जो कि बहुत ही मजेदार होती है। तो चले जी बगैर वक्त जाए कि वे अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, रेसिपी में हम सबसे पहले लिए है चिकन, जिसको मैंने झूले स्टाइल में काट दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह हमने पतला पतला करके ऐसे इस तरीके से काट दिया। इसकी मैंने करनी है पहले मैरिनेशन, जिसके लिए मैंने 1/2 टीस्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर, 1/4 बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो चिकन को बहुत अच्छे से टेंडर कर देगा और भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर देगा। 1 टीस्पून चिली, रेड चिली, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, और मैंने जी डाला है 1/2 टीस्पून नमक। इसको हमने करना है अच्छे से मैरिनेट। नेक्स्ट चलेगा इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, और अब हम इसे करते हैं जी अच्छे तरह से मैरिनेट करते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद, मसाले मिक्स करने के बाद, हमने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अब अच्छे से मिक्स कर दें और इसे हम 30 मिनट्स के लिए कवर करके रख दें। मीनवाइल हमारा चिकन हो रहा है मैरिनेट, तो तब तक चलते हैं जी हम अपनी वेजिटेबल्स कटिंग के लिए चलते हैं। तो जिसे मैंने सबसे पहले लिया है कैप्सिकम, ये देखिए जी सब्जी हम लोगों ने इसकी कटिंग कर दी है स्लीक स्टाइल में। हमने इस तरह से सब सब्जियों को सेम तरीके से ही काट देनी है। ये देखिए हमने इस तरह से ऑनियन को भी इस तरह से कट किया है। अभी जी हम लोग कर रहे हैं अपना चिकन फ्राई। उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिए 1 टेबलस्पून चिकन गार्लिक पेस्ट, और अभी जी हम कर रहे हैं इसमें अपना मैरिनेट हुआ चिकन। बहुत अच्छे से मैरिनेशन हो चुकी है इसकी। हमने पहले चिकन को फ्राई करना अच्छे से। ये देखिए जी हमारी बहुत जबरदस्त बुनाई हो चुकी है चिकन की, और कलर इसका आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत कलर इसका है, गोल्डन सा। तो 5 मिनट की बुनाई के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो कि मैंने एक बिग साइज का लिया था और इसे मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया था। अब इसे करेंगे हम मिक्स, और टमाटर के साथ हमने चिकन की अच्छे से बुनाई मजीद करनी है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट की बुनाई के बाद हम अपनी वेजिटेबल सब ऐड करेंगे, जिसे मैंने ये देखिए ये सब कट किए हुए। शिमला मिर्च हमने ऐड की, ग्रीन कैप्सिकम, सब कटाई हम लोगों ने ऐड कर दिया, इससे कि हमने 5 मिनट के लिए हमें इसे कवर करके कुक करना है, ताकि सब्जियां जो है तो बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करनी, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट ही हो जाए। इसे हमने ऐसी कुक करनी है कि ना ही ये बहुत ज़्यादा पक जाए और ना ही इनका कच्चा पन। तो देख सकते हैं जी बहुत ही मजे की हमारी वेजिटेबल्स भी कुक हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अपनी जो स्पैगेटी हमने बॉईल करके रखी हुई थी, अब हम वो ऐड करेंगे। स्पैगेटी को आपने ऐसे बॉईल करना है कि ये टूटे ना, देख सकते हैं। नमक आप लोगों ने टेस्ट करना है पहले, अगर आपको कम लगा तो आप साथ साथ डाल सकते हैं। अभी हम इसे करते हैं अच्छे से मिक्स, बड़े आराम से आपने मिक्स करना है, ताकि जो हमारी स्पैगेटी है वो टूटे ना।
मीडियम फ्लेम पे इसे मैंने बनाया है। अच्छे से स्पैगेटीज मिक्स करने के बाद अब हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास गार्लिक सॉस नहीं है तो आप कोई भी चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐड कर रहे हैं जी सोया सॉस, ये मैंने 2 टेबलस्पून ऐड करना है। और जी लास्ट हम ऐड करेंगे विनेगर जो कि मैंने 2 लेड ऐड किए हैं। अच्छे से इसे आप मिक्स करते हैं। देख सकते हैं फ्लेम मैंने बिल्कुल नीचे स्लो किया हुआ है क्योंकि हमारी रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। अच्छा जी अब मैं ये ऐड कर रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ पेपर। अच्छा मैं आपको ये बताती चलूँ कि स्पैगेटीज मैंने 1 पैकेट लिया था जो कि 500 ग्राम का था। ये जी रेडी हो चुकी हैं और अब हम स्प्रिंग ऑनियन, हरा प्याज होते हैं वो हम डाल रहे हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब जी हम इसे 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। रेडी हो चुकी है हमारी ये सब मज़ेदार चाउमीन। हमारी स्पैगेटी चाउमीन रेडी हो चुकी है। आपको इसकी लुक से ही नजर आ रहा होगा कि ये कितनी टेस्टी बनी है, तो आप ये खाने में भी इतनी ज्यादा टेस्टी होगी जब आप इसे ट्राई करेंगे। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे पता चलता है कि आप लाइक करते हैं मेरी वीडियोज, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। तो जनाब चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, अपने गाँव में मुझे जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।